बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं जेडीसी जो फ्री स्कूल लेकर आ रही है, जिसके अंदर बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ओलेवेल्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल होगा, एक रुपए भी फीस नहीं ली जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो हम कहां से 45-50 हज़ार रुपए महीने फीस देंगे? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। जब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकते। जेडीसी इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई है। आप देख लें, ये क्लासों का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इधर से भी क्लासें, ये दरवाजे, खिड़कियां, पूरा प्लास्टर, मार्बल, टाइल, ये सारा काम जो है अपने आखिरी मराइल में है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये कितने बेहतरीन किस्म के टाइल लगे हैं। कलर भी अभी यहाँ शुरू होने वाला है और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का सारा काम यहाँ पर हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में रहे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं, लैब से लेकर आईटी, और उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए रोबोटिक लैब बन रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब बन रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। आप देख सकते हैं तमाम क्लासेस के दरवाजे, चौखट और फर्श के ऊपर टाइल का ये सारा काम जो है ये मुकम्मल हो चुका है। और अब पीछे वाली बिल्डिंग में जो कमरे हैं उसका काम शुरू होने जा रहा है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और स्विमिंग पूल जो है वो भी रेडी हो चुका है तकरीबन, उसमें मार्बल वगैरह का टाइल्स का काम रह गया है। ये देखें, बस अब ये इसके वॉशरूम का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ये भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, लोगों के बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम दी जाए और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए ये सारा काम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप अब से थोड़े दिनों बाद जब यही जगह देखेंगे तो आप बोलेंगे जैसे शायद किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल के मनाजिर आप देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है लोगों के बच्चों को तालीम दी जाए, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो कराची के रहने वाले के बच्चों को आला तालीम दी जाए और तमाम स्टैंडर्ड वही हों जहाँ किसी बहुत अमीर आदमी का बच्चा पढ़ता है, बल्कि जहाँ हमारे सियासतदानों या वज़रा के बच्चे पढ़ते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के इल्म में आए काम कहाँ तक पहुँच चुका है। बहुत शुक्रिया।